तो गैस एक जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी हिंदी डब में आई है। आप पूछेंगे कौन सी, तो फिल्म का नाम है एपोकलिप्स जेड बिगनिंग ऑफ द एंड। इसे देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय देना पड़ता है, और चाहे तो आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिर का कहना क्या चाहती है। तो गैस इसमें एक बंदा को दिखाया गया है जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है एंड जॉम्बी का आउटब्रेक हो जाता है। तो वह कैसे सर्वाइव करता है, क्या वह अपनी बहन तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है, इस बीच उसे क्या क्या मिलता है, कौन कौन से जॉम्बिस मिलते हैं, वह सर्वाइव कैसे करता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म का फोकस जॉम्बिस से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जॉम्बिस से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर होता है। इसमें जो लीड रोल में है उसी के ऊपर ज्यादा फिल्म फोकस करती है कि वह कैसे सर्वाइव करता है, किस तरह से अपने आप को बचाता है। सर्वाइवल थ्रिलर इसमें आपको देखने को मिलता है, तो ज्यादा आपको इसमें जॉम्बिस देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने बहुत सारे जॉम्बिस फिल्म में पहले देखा, बहुत सारे जॉम्बिस जाता है, उस टाइप का थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा फिल्म में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जॉम्बीज सब ज्यादा फोकस कैरेक्टर का ऊपर किया गया है, तो सिर्फ आपको ड्रामा अधिकतर देखने को मिलेगा। जॉम्बीज है पर कम है। पर यदि आपको सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, प्रोडक्शन क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलता है। जितना भी जॉम्बीज सबको दिखाया गया है वह सब देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें आपको जॉम्बीज से ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जॉम्बीज देखने को मिलेंगे पर कम देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखना पसंद है जिसमें आपको थोड़ा बहुत जॉम्बीज देखने को मिले, तो इस फिल्म को देख सकते हैं, एंजॉय करेंगे। फिल्म अच्छा है पर अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।